हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप स्नैपचैट अकाउंट को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स, अब आपको सबसे पहले प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अभी यहां पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब आपको फ्रेंड्स सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के फ्रेंड्स अब आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सपोर्ट का। अब आपको सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है आई नीड हेल्प। अब आपको इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन मैनेज माई अकाउंट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेंड्स अब आपको लास्ट वाला ऑप्शन डिलीटिंग और रीएक्टिवेटिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। फ्रेंड्स अब आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपको इसको पढ़ लेना है। फ्रेंड्स अब आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट पोर्टल, अब आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाता है। अकाउंट को डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर आप फ्रेंड्स अपने अकाउंट को 30 दिनों के अंदर रीएक्टिवेट नहीं करते तो फ्रेंड्स आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।